माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे अंटार्कटिका के क्षेत्र में चीन के द्वारा विकसित किए जाने वाले रिसर्च स्टेशन के बारे में। हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन अपना दबदबा लगातार बढ़ा रहा है और इसे लेकर भारत समेत कई अन्य पश्चिमी देश सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि ये उनके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक माना जा रहा है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि चीन अंटार्कटिका क्षेत्र में भी अपने पांव दिन प्रतिदिन पसार रहा है, जो कि इसके रडार में आने वाले सभी देशों के लिए एक और चिंता का विषय माना जा रहा है। हालांकि सैटेलाइट के द्वारा जारी किए गए इमेज के अनुसार ये बताया जा रहा है कि चीन ने साउदर्न पोलर रीजन में अपने कंस्ट्रक्शन के काम को दोबारा फिर से शुरू कर दिया है। बता दें कि ये निर्माण कार्य वर्ष 2018 के बाद इस क्षेत्र में हाल ही में चीन के द्वारा पहली बार शुरू किया गया है। ये रिपोर्ट पिछले दिनों ही सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें काफी विस्तृत रूप से बताया जा रहा है कि कैसे चीन धड़ाधड़ अंटार्कटिका के क्षेत्र में अपने कंस्ट्रक्शन के काम को अंजाम दे रहा है। बताया जा रहा है कि चीन की मंशा ये है कि आर्कटिक क्षेत्र में शिपिंग रूट्स को विकसित किया जाए, जबकि इसके अलावा चीन ये भी चाहता है कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित कार्य का विस्तार हो सके। और इस कतार में केवल चीन ही शामिल नहीं है, बल्कि कई और देश शामिल हैं जिनके रिसर्च स्टेशन इन क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। और इन देशों की सूची में शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया। हालांकि पश्चिमी सरकार ने ये चिंता व्यक्त की है कि अगर चीन का वर्चस्व पोलर रीजन्स में बढ़ने लगा तो ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कई नई सर्विलियंस क्षमताओं से लैस कर देगा। बहरहाल सैटेलाइट के द्वारा जारी किए गए फोटोज में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीन अपने नए रिसर्च स्टेशन को अंटार्कटिका के क्षेत्र में विकसित कर रहा है। आपको बता दें, सैटेलाइट के द्वारा जारी किए गए फोटोज में ये दिखा है कि चीन के द्वारा इस क्षेत्र में नई नई सुविधाएं, टेम्पररी बिल्डिंग्स, एक हेलीकॉप्टर पैड का निर्माण और 5000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र के लिए रिसर्च स्टेशन के निर्माण को लेकर उसकी आधारशिला की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। हालांकि CSIS के द्वारा ये बताया गया है कि चीन के द्वारा विकसित किए गए ये रिसर्च स्टेशन उसके पोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि इससे चीन इन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण अपने फायदे के लिए करेगा। बहरहाल चीन के द्वारा अंटार्कटिका के क्षेत्र में मौजूदा वक्त में 4 रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं और इनमें शामिल हैं ताइशान स्टेशन, ग्रेट वॉल स्टेशन, जोंगशान स्टेशन और कुनलून स्टेशन। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।